मित्रों नमस्कार। ये वीडियो गाय भैंस भेड़ बकरी पालने वालों के लिए है। वीडियो में अपने दर्शकों के लिए पशु कैलेंडर की श्रृंखला में ये सातवीं वीडियो है जो अक्टूबर माह से क्रमशः चालू होकर के आज अप्रैल माह की इस वीडियो में क्या क्यों कैसे अपने पशुओं के लिए रख रखाव खान पान टीका के बारे में जिनको पता है उनको याद कराने के बारे में है और जिनको नहीं पता है उन लोगों को बताने के बारे में एक छोटी सी कोशिश है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मित्रों आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल और मैं अनिल मिश्रा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, नहीं तो आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लें, मैं वहां पर भी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूं। आईडी आपको वीडियो में नीचे दिख रही है, यही आईडी है। मित्रों पशु पक्षी चैनल पर बताए गए पशुपालन के कैलेंडर के अप्रैल माह के अनुसार ध्यान देने वाली बातों को ध्यान से सुने व समझें जिससे आपका पशु स्वस्थ निरोगी रहने के साथ आपकी आमदनी का एटीएम बनना रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल माह में ठंड का नामो निशान नहीं रह जाता है और मौसम में तापमान ज्यादा होने लगता है, तो इस बढ़े हुए तापक्रम से पशुओं को बचाने हेतु दोपहर से लेकर शाम 4 बजे तक किसी छायादार और हवादार जगह पर बांधें जिससे पशुओं को कोई स्ट्रेस ना आने पाए और आपको भरपूर उत्पादन देता रहे। मित्रों इस माह में गर्मी बढ़ने के कारण पशुओं के शरीर में जल यानी पानी का व खनिज लवण के साथ विटामिन की भी कमी होने लगती है और भूख भी कम लगती है जिससे पशु का उत्पादन कम होने लगता है तथा कुछ पशुओं में तापक्रम का भी प्रभाव दिखता है। तो भाई छायादार व हवादार जगह पर अपने पशुओं को बांधने के साथ आप उनको खनिज लवण एवं विटामिन की कमी से भी बचाएं। मित्रों अपने पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर खरीदने के पहले अगर आप मिनरल मिक्सचर की कंपेयरिंग देखना चाहते हैं व उसको समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में हमने वो वीडियो दिया है, आप क्लिक करके देख समझ सकते हैं और खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। अब पशुओं के शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक दिन में कम से कम 4 बार पानी जरूर पिलाएं व पिलाने की कोशिश करें और अगर हो सके कम से कम दिन में 1 बार पानी में 1 पाव भर गुड़ पिलाएं। इससे पशुओं को ग्लूकोज मिलेगा और शरीर में स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर पशु का तापक्रम ज्यादा हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, अपने निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के आप दवाई दे दें जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दवा से पशु सामान्य हो जाएगा। मित्रों अगर आपके पशु 6 माह से अधिक गर्भित है तो उस पशु को अधिक आहार और मिनरल्स देने की जरूरत है जिससे पशु और पशु के पेट में पलने वाला बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो और गर्भित अवस्था में होने वाली बीमारियां आपके पशु के पास ना आने पाए। भाई कुछ पशुओं में गर्मी आने के लक्षण दिन में कम किंतु रात में अधिक दिखाई देते हैं, इसलिए पशुपालक सचेत रहें, लक्षण दिखने पर गर्भाधान तुरंत सुनिश्चित करें। मित्रों बकरियों के मेमनों में फकड़िया रोग व भेड़ में चेचक रोग का टीका यानी वैक्सीन अवश्य लगवा लें। मित्रों इस अप्रैल माह में चारागाहों में घास की कमी होने लगती है और पशु पोषण भी वर्षा न होने तक अपेक्षाकृत कमजोर रहता है। ऐसे में पशु के शरीर में मिनरल्स खास करके फास्फोरस की कमी होने लगती है जिसके फलस्वरूप पाइका रोग हो जाता है। मित्रों अगर आप पाइका रोग को विस्तार से जानना समझना चाहते हैं और अगर आप बोलेंगे तो अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। मित्रों आप इस बात पर जरूर ध्यान दें कि अगर पशुओं के चारागाह में या आते जाते रास्ते में कहीं मृत पशु हड्डी चमड़ा कंकाल है तो एक स्थान पर इकट्ठा करके उनके चारों तरफ तारबंदी बाड़बंदी करके जीवित पशु को उसके पास जाने से रोकें।
क्योंकि मृत पशुओं के अवशेषों को खाने चबाने से प्राण घातक रोग बेचुलिज्म नामक रोग हो सकता है जिसका कोई उपचार नहीं है। मित्रों, चारे के लिए बोई गई ज्वार बाजरा मक्का की कटाई 45 दिन से 50 दिन पर कर लें। मित्रों, ये थी हमारे पास उपलब्ध जानकारी जिससे हमने आपके सामने रखा। अगर आपके पास भी इस माह से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो पशु हित व पशुपालक के हित के लिए आप जरूर साझा करें, इससे पशुपालक का फायदा होगा। मित्रों, आपको जानकारी कैसी लगी अपना कमेंट जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके अपने रिश्तेदारों और मित्रों को शेयर करें ताकि आपके मित्र रिश्तेदार भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।